ये तो आप जानते ही होंगे कि शरीर में हर चीज की संतुलित मात्रा आपको चुस्त दुरुस्त रखती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे आप हमेशा बीमारियों से बचे रहते हैं। ऐसा ही एक तत्व है आयोडीन। खाने में इसकी संतुलित मात्रा आपका होना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों में से एक रोग है थायराइड हार्मोन की कमी होना। साथ ही आयोडीन थायराइड ग्रंथि को अच्छी तरीके से काम करने में मदद करता है। आयोडीन दिमागी विकास में मदद करता है और वेट कंट्रोल में रखने में मदद करता है। आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत नमक होता है। नमक के अलावा खान पान में और कौन कौन से आहार को शामिल करें ताकि आयोडीन की कमी से शरीर को बचाया जा सके, उसके लिए आपको जानना है तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए भुने हुए आलू रोज खाने चाहिए। इससे आपको आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त मिलते हैं और आलू के छिलके में आयोडीन, पोटेशियम और विटामिन पाया जाता है। एक आलू लगभग 40% आयोडीन पाया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक कप दूध में 56 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है। साथ ही इसमें कैल्शियम और विटामिन डी भी मिलता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आपका बच्चा तेज दिमाग वाला बने तो उसे आयोडीन की भरपूर मात्रा देना बहुत जरूरी है। सी फूड आयोडीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसलिए भोजन में इसे जरूर शामिल करें। मछली में मौजूद पोषक तत्व मस्तिष्क को तेज करने का काम करता है। मछली में मौजूद फैटी एसिड श्रवण शक्ति बढ़ाता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन के मस्तिष्क की नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि लहसुन खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ ही कई स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर है। ये कम कैलोरी युक्त होने के साथ ही फाइटो न्यूट्रिएंट्स एनिथोल से भरपूर होता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और लहसुन में आयोडीन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।